वहीं राजधानी में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। राज्यपाल कल्याण सिंह ने मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजित किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, सीएम अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और साथ ही डीजीपी कपिल गर्ग भी शपथ ग्रहण के समारोह में मौजूद दिखे। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही डीजीपी कपिल गर्ग भी मौजूद रहे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करवाई। राजस्थान हाईकोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और साथ ही डीजीपी कपिल गर्ग भी मौजूद रहे। राजभवन में आज शपथ दिलवाई गई 36वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में और इस कार्यक्रम में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट को राज्यपाल कल्याण सिंह ने शपथ दिलवाई। राजस्थान हाईकोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं और राज्यपाल कल्याण सिंह ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करवाई। राजभवन में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे और साथ ही डीजीपी कपिल गर्ग भी इस समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट को मुख्य न्यायाधीश चुना गया। राजस्थान हाईकोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और राज्यपाल कल्याण सिंह ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ दिलवाई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इसमें विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे और साथ ही डीजीपी कपिल गर्ग भी इस समारोह में शामिल होने पहुंचे। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट को मुख्य न्यायाधीश चुना गया और उन्हें शपथ दिलवाई गई। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें 36वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और साथ ही प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी मौजूद दिखे।